सब उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जनाब आज अफ्तार में बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सा रहेगा एकदम, क्योंकि तबीयत एकदम नहीं हो रही है पकौड़े वगैरह खाने की। तो आज मेरी बेटी ने कहा कि आज कुछ कबाब वगैरह बना लीजिए हमें, तो उसकी फरमाइश पर आज मैं बना रही हूँ चिकन सीली कबाब। तो ये हाफ के जी बोनलेस चिकन है, जिसको अच्छी तरह धो के इस तरह के टुकड़ों में मैं काट ली हूँ। और आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत सिंपल रेसिपी है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, नींबू का रस आधा, नमक जायके के मुताबिक नमक देख लीजिए, रमज़ान के महीने में ये ज़रा मुश्किल हो जाती है नमक का देखने में, और एक चम्मच दही। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे और आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे। चलिए आधा घंटा हो गया, अब इसका काम शुरू करते हैं। इसके लिए ब्रेड क्रम और तीन अंडे ले लेते हैं, देखते हैं तीन लगे दो लगे जितने भी लगेंगे। पहले अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। नमक, चलिए धीरे धीरे करके सारे स्कीवर्स में इस तरह लगा देंगे। अगर मटन या बीफ का बनेगा तो उसमें थोड़ा सा पपीता भी लगाएंगे। मुसलसल जुकाम होने की वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब चलिए पहले इसको ब्रेड क्रम में अच्छे से, ये क्या है कि जब भी कोई कटलेट बनाते हैं या कबाब बनाते हैं तो पहले अंडे में डिप करते हैं, मगर ये सिली कबाब का यही है तरीका कि इसमें पहले इसको ब्रेड क्रम में लगा लेंगे हल्का हल्का। अब अंडे में डीप करेंगे, और ये देखिए
दो दिन पहले मेरे हाथों में तेल छलक जाने की वजह से कितना बुरी तरह जल गया हाथ, छाला आ गया है, छाला तो छूट गया है लेकिन तकलीफ है मुझे। यार कोई बात नहीं, इस तरह छोटे मोटे हादसात तो किचन में हम औरतों के साथ होते ही रहते हैं। धीरे धीरे करके अब बिना स्कीवर्स के भी मैं बताती हूँ। अब बताती हूँ ऐसे टुकड़े जो है उसमें ये भी सेम वैसे ही बनेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। आंच को धीमी रखिए पहले, तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से चिकन चिली कबाब। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और इस टाइम में खा के बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और इस मुबारक महीने में अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए।